हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस पी सी एस होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि आई एस एग्ज़ाम पॉइंटर से लेकर मैं आया हूँ, और ये लेटेस्ट जो अप्रैल मंथ है उसके मैगजीन में जो है ये एग्ज़ाम पॉइंटर था, तो वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, और 69th बीपीएससी देने वाले हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें, सारे सब्जेक्ट आपको शामिल है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट। तो एक ही वीडियो में जो है आपको सारे सब्जेक्ट जो है कुछ कुछ जो है उसका बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसमें कवर हो जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा आराम से, और मैं इसको आप लोगों को समझाते हुए भी जाऊँगा, ताकि जहाँ पे भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं समझा दूँगा। तो और इस तरह से लगातार जो है एग्जामिनेशन तक जो है, यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन जो है वहाँ तक जो है ये सीरीज आता रहेगा, कुछ ना कुछ मैं लेकर आता रहूँगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा होता रहे। तो आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगे तो उस लाइक कर दीजिएगा, और जो है से आगे तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जो आज का है, देखते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंटर जो है, सबसे पहले इसमें इंडियन हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे, इतिहास को देखेंगे। वह स्थल जहां से मिले अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम उल्लेखित है, तो कहां से जो है इन सारे देवताओं का जो है वर्णन किया गया है, किस अभिलेख में जो है, तो मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते का, तो ये जो मिला है हमें वो मिला है बोगज कोई एशिया माइनर से जो है ये अभिलेख प्राप्त हुआ है तुर्की के क्षेत्र में, तो वहां से जो है इन सारे देवताओं का नाम इससे हमको मिला है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित झुकर संस्कृति तथा कब्रिस्तान एच संस्कृति का संबंध है, तो एच कब्रिस्तान और झुकर संस्कृति का संबंध जो है वो किससे है, तो वो है पर्वती हड़प्पा कालीन संस्कृति से, तो ये जो है इसका ये हो जाएगा, एच सिमेट्री जो है वहां से प्राप्त हुआ था। काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत आत्महत्या का विधान है, तो किसमें जो है उपवास के द्वारा जो है अपना जो है शरीर त्याग करते हैं, मतलब जो है मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो संलेखना विधि है वो जैन धर्म में जो है ये है। और इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्याग कर दिया था कर्नाटक के श्रवण बेरगोला में जाकर। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने उन आठविक जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थी, तो कौन से शिलालेख में जो है आठविक जनजातियों का उल्लेख किया है अशोक ने, तो 13वें शिलालेख में, और 13वां शिलालेख में ही कलिंग जो है से युद्ध का भी वर्णन इसी में किया गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र का वह अध्याय जिसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, तो 26 अध्यक्षों का उल्लेख जो है किस अध्याय में है अर्थशास्त्र, तो अध्यक्ष प्रचार में जो है इसका उल्लेख है। टोटल 15 अध्याय है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, वह जैन ग्रंथ जिसमें तोड़मान नामक शासक द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख है, तो किस जैन ग्रंथ में जो है तोड़मान नामक शासक द्वारा जो है चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख है, तो वो है कुवल्यमाला जो है जैन ग्रंथ है उसमें ये उल्लेख है। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी थी, तो प्राचीन महागध राजधानी जो है सबसे पहली राजधानी कहाँ थी, तो वो थी गिरिवराज, जिसको राजगिरी भी कहते हैं, और जो है सबसे पहली बार जो है उदयन जो है से हरियंक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र ने सबसे पहले जो है से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, किस आंदोलन में जो है गांधी जी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है प्रैक्टिस किया था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था चंपारण में, बिहार में तीनकटिया पद्धति के विरुद्ध जो है गांधी जी ने इसको शुरुआत किया था, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर जो है ये चंपारण गए थे 1917 में। नेक्स्ट है कि वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है कौन सा जो है शासन जो साम्राज्य है वो प्रसिद्ध था, फेमस था, तो वो था चोल साम्राज्य, चोल डायनेस्टी जो था उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो फेमस था। नेक्स्ट, स्कंद गुप्त की शक्रोपम उपाधि का उल्लेख मिलता है, तो शक्रोपम उपाधि का उल्लेख जो है जो स्कंद गुप्त ने धारण किया था वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है कहोम अभिलेख से जो है इसका उल्लेख मिलता है, स्कंद गुप्त के शक्रोपम यानी शको पेज विजेता जो है इन्होंने शको को हराया था, उसके बाद जो है ये उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था
और मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था करने का श्रेय दिया जाता है। तो एकता और सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है, और ये दिल्ली सल्तनत का जो है गुलाम वंश का जो है कहा जाता है वास्तविक संस्थापक था, और सबसे पहले दिल्ली को राजधानी इसी ने बनाई थी इल्तुतमिश ने, और जो है इन्होंने मुद्रा भी चलाई थी जो चांदी का टांका और जीतल जो है तांबे का इसने चलवाया था। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे, तो चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है वो दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है मध्ययुगीन इतिहास का वह पहला युद्ध जो जल एवं थल दोनों पर लड़ाया गया था, तो पहला युद्ध कौन था मध्यकालीन इतिहास का जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, तो वो था घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को लड़ा गया था बाबर और जो है आपको बंगाल का जो ये था महमूद लोधी उसके बीच जो है ये लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जिसमें जो है से बाबर जो है विजय हुआ था और जो है महमूद लोधी की पराजय हुई थी। और बाबर जो है पहला युद्ध इसने पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा था 1526 में, और इसमें भी इसको जो है जीत प्राप्त हुई थी। उसके बाद दूसरा युद्ध जो है खानवा का जो है राणा संगा के खिलाफ, जिसमें उसने जिहाद का नारा दिया था और इसमें भी जो है इसको जीत प्राप्त हुई थी। और तीसरा जो है से वो चंदेरी का युद्ध जो है उसने 1527 में जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय के खिलाफ राजपूत शासक, और उसमें भी जो है बाबर को जीत प्राप्त हुई थी। और 1529 में जो है उसको जो है ये घाघरा का युद्ध जो है ये महमूद लोधी के खिलाफ लड़ा था, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, तो गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है किसने करवाया था, तो वो करवाया था सिकंदर लोधी ने जो है गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट है दीन इलाही अस्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, दीन इलाही जो है अकबर ने जो चलाया था इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो वो था बीरबल। नेक्स्ट है डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, वह था तो डोमिंगो पायस जो है वो एक पुर्तगाली यात्री था जो तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु वंश था उसमें जो है कृष्णदेव राय शासक बने थे, बहुत प्रभावशाली शासक थे, और इसका वर्णन जो है बाबर ने अपने तुजु के बाबरी में भी किया है। भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन ऑफ द ईरान किसको कहा जाता है, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में किया था, नादिर शाह ने किया था, और काफी लूटपाट इन्होंने मचाया था, और जो है मोहम्मद उसमें जो है तो उसे उसी के शासनकाल में जो है उसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है इसने आक्रमण किया था भारत पे। नेक्स्ट है कि वह भू राजस्व व्यवस्था जिसमें जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो है किस भूमि व्यवस्था का यानी जो है से भू राजस्व व्यवस्था का जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो है जन्मदाता थे, तो वो थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में जो है लागू किया गया था, आपको मद्रास के क्षेत्र में जो है सबसे पहले लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है। और उसके बाद जो है एक और व्यवस्था थी जो आपको क्या नाम है महलवाड़ी व्यवस्था थी, तो उसको जो है से आप हॉल्ट मैकेंजी जो है उन्होंने उसको चालू किया था, इसको क्या नाम है महलवाड़ी व्यवस्था को। उसके बाद नेक्स्ट है कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी, तो जो है से कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में जो है डोमिनियन स्टेटस की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य किसने बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और जवाहरलाल नेहरू 1930 में लाहौर सेशन में जो है उन्होंने जो है से ये झंडा भी फहराया था क्या नाम है पूर्ण स्वराज के लिए, कि 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज जो है उसके बाद जो है मनाया जाएगा। 1929 में जो है कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, और 26 जनवरी को जो है कहा था कि आप जो है हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। इसी की वजह से जो है कानून जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी को लागू कर किया गया था, गणतंत्र दिवस इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट लॉयल आयोग स्ट्रेची आयोग मैकडोनाल्ड आयोग तथा वुडहिड आयोग आदि ब्रिटिश कालीन आयोग संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो दुर्भिक्ष से यानी फेमीन से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, तो सबसे पहले जो है
जो है से ब्रिटेन के वस्तुओं का बाइकॉट का जो है सुझाव सबसे पहले किसने किया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में इसको किया था, लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया था। 16 अक्टूबर को जो है ये अनाउंस किया था कि बंगाल का जो है ये 16 अक्टूबर को जो है विभाजन को जो है लागू कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था। वह महिला जो एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी, तो कौन सी तीसरी महिला, तो वो थी श्रीमती नालिनी सेन गुप्ता। और ये जो है 1933 में जो है आपको कलकत्ता अधिवेशन में जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो सहायक संधि का जो है अनुसरण करने वाला कौन था सब्सिडियरी अलायंस का, तो वो था लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रिपील कर दिया था, किस गवर्नर जनरल ने, तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। और इसको जो लागू किया था वो किया था लॉर्ड लिटन ने जो है इसको लागू किया था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, तो वर्ष 1911 में जो है जो जॉर्ज पंचम जब आए और क्वीन मैरी के साथ, उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और दिल्ली से कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंगे जो है इस टाइम वाइस राय थे भारत के। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर जो है कल्चर को देखते हैं वो क्या है उसमें, तो वह मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी जो कारखाना कहलाता था, तो किसके काल में जो है चित्रकला के लिए कारखाना स्थापित की गई थी, तो अकबर। और चित्रकला का स्वर्णिम काल जो है वो किसके शासनकाल में था, तो वो था जहांगीर। नेक्स्ट, वह ममलूक शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था, तो हौज शमसी का निर्माण जो है कुतुब मीनार के पास किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो है उसने करवाना शुरू किया था। नेक्स्ट, मणिपुर के मैती जनजाति द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है, तो मैती जनजाति जो है मणिपुर के वो कौन सा पर्व मनाते हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में, तो साजीबू चेरा ओबा। नेक्स्ट, ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है, तो ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण किसको माना जाता है, तो शाहमुखी लिपि को जो है पंजाबी संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट, वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में दिखाई देता है, तो वो कौन सा है युद्ध कला, तो वो है कलारी पयट्टू। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है नेशनल फिल्म अवार्ड कब दिया जाना प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 1954 में। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है, तो पुरंदर दास को। नेक्स्ट, भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन दो विद्वानों को जाता है वो है, तो भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किनको जाता है, तो विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुष्कर को जाता है। नेक्स्ट, वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो वो है कथक। नेक्स्ट, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं, तो अवीन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है, तो पुणे में स्थित है। वह नृत्य शैली जिसमें कथा या भाव सदैव महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो कौन से नृत्य शैली में रामायण और महाभारत से जो है कथा या भाव लिया जाता है, तो वो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। बुद्ध की वह मुद्रा जिसमें उन्हें पृथ्वी को छूकर आहान करते दिखाया गया है कहलाती है भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये कहलाती है। होयसल का मंगतेश्वर मंदिर की शैली है, तो होयसल का मंगतेश्वर मंदिर की शैली कौन सी है, तो वो है वेसर शैली। और उत्तर भारत में जो होती थी वो होती नागर शैली। नेक्स्ट, देवताओं के साथ राजा की मूर्ति स्थापित की गई, तो देवताओं के साथ राजा की मूर्ति किस काल में स्थापित की थी, चोलकालीन मंदिरों में ये स्थापित की गई। भारत में इस्लामिक पद्धति पर बनी पहली मस्जिद मानी जाती है, तो पहली मस्जिद किसको मानी जाती है जो इस्लामिक पद्धति पर बनी है, तो वो है जमायत खाना मस्जिद। नेक्स्ट, चार बाग शैली तथा दोहरे गुंबद का प्रथम उदाहरण अकबर के समय में मिलता है, किसमें मिलता है, चार बाग शैली और दोहरे गुंबद का उदाहरण अकबर हुमायूं के मकबरा जो है उसमें मिलता है। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं, तो संगीत का प्रारंभिक उदाहरण भारत में कहाँ मिलता है, तो सामवेद में मिलता है। और चार वेद है आपको जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद और सामवेद में जो है संगीत का प्रारंभिक उदाहरण मिलता है। खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और जो इन्होंने सात राजाओं का जो है से ये देखा था, काल देखा था, और जो है से कव्वाली का जो है
आविष्कार भी इन्हीं का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही कव्वाली का आविष्कार किया था मीर खुसरो ने। नेक्स्ट, सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती है अरबसक। चित्रकला की वह शैली जिसके अंतर्गत रागमाला और रसिक क्रिया के विषय पर निर्मित चित्र अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, तो बीकानेर शैली जो है उसको कहा जाता है जिसमें रागमाला और रसिक क्रिया के विषय पर निर्मित चित्र अधिक प्रभावपूर्ण थे। दक्षिण भारत का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृत्ति चित्र है, तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक वृत्ति चित्र जो है वो कौन सा है, तो तमिलनाडु के तंजावुर में वृत्ति चित्र जो दीवारों पर किया जाता है उसको वृत्ति चित्र कहते हैं। साड़ियों पर सबसे पहले मधुपनी पेंटिंग बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो साड़ियों पर सबसे पहले मधुपनी पेंटिंग किसने बनाया था, तो वो बनाया है महासुंदरी देवी को जो है इसका श्रेय दिया जाता है, ये मिथिला का है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता है, तो राष्ट्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता कौन है, तो सवाई प्रताप सिंह जो है इसके रचयिता है। नेक्स्ट, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर गृहिणी यक्षिणी की प्रतिमा संबंधित है, तो दीदारगंज से चामर गृहिणी यक्षिणी की प्रतिमा जो है वो किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल से इस संबंधित है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं, यहाँ पर पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 जो है पार्ट 15 में है, और अनुच्छेद 326 जो है वो वोटिंग देने से संबंधित है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में, तो 22 है, इसमें ध्यान रहे कि इंग्लिश जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस विषय से संबंधित था वो है, तो इंदिरा सहनी और भारत संघ मुकदमा जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, और ये किससे संबंधित है, तो वो है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को लेकर जो है ये मुकदमा था। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई, तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें ये कहा गया कि जो है मंत्रिपरिषद की संख्या जो है जो भी लोकसभा में जो है मेंबर हैं सदस्य हैं उनसे 15% ही रहेगी, 15% उससे ज़्यादा नहीं होगी, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा, तो ये किसने कहा था कि भारत की राजनीतिक कुंडली है संविधान की प्रस्तावना जो है प्रेमबल जो है वो कहा था के एम मुंशी, और संविधान सभा के जो है सलाहकार थे वो थे एम एन रॉय जो है वो सलाहकार थे। वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा, तो ये किसने कहा था डीपीएसपी को जो है भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र, वो कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और डीपीएसपी का जो है वर्णन जो है भारतीय संविधान में आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 में आपको मिल जाएगा पार्ट 4 में, और ये जो है से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अमेंडमेंट का प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद से करते हैं, तो वो है अनुच्छेद 368, और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो महाभियोग जो है वो किस प्रक्रिया से चलते हैं, महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है, और अनुच्छेद 61 में ये वर्णन है महाभियोग। नेक्स्ट, वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, तो ये किस में है कि अल्पसंख्यक जो है अपने रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 30 में जो है ये वर्णन है, और ये जो है फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 से लेकर 36 तक जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल है। नेक्स्ट, विधायक के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही निश्चित की जाती है, तो कार्यपालिका की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जवाबदेही जो है अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति जो है निश्चित सुनिश्चित की जाती है, किसके द्वारा, था सी ए जी कैग के द्वारा, और कैग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में 148 से लेकर जो है 148 से 151 जो है पार्ट 5 में जो है इसका वर्णन है कैग का। राज्य को भाषी आधार पर पुनर्गठित किया गया, तो राज्य के भाषी आधार पर पुनर्गठित किया कब किया गया, 1956 में जो है, इससे पहले जो है भाषी आधार पर 1953 में जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र प्रदेश बनाया गया था राज्य,
श्रीराम अल्लू के जो है डेथ के बाद उन्होंने फास्ट किया था, उसके बाद जो है 63 दिन के बाद उनका डेथ हो गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषाई आधार पर पहले सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद फजल अली आयोग बनाया गया था, जिसके बाद जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसके तर्ज पर बनाया गया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष का कार्य जो है वो अनुभव आपको जो है उच्च न्यायालय में होना चाहिए एडवोकेट के तौर पर, और जो है 5 वर्ष जो है आपको या तो या 10 वर्ष एडवोकेट के तौर पे या 5 वर्ष जो है आप एक जज के तौर पे जो है उच्च न्यायालय में अगर आप ये करते हैं अनुभव है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है आपका रिटायरमेंट डेट जो है वो 65 वर्ष है और जो है हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। और ये अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है लेकिन प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई थी। 2003 का जो है 92 संशोधन जो हुआ था उसमें कौन सी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 4 भाषाएं शामिल किया गया था, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जो है शामिल किया गया था। इसी तहत 22 हो गया है। नेक्स्ट, संघीय संरचना प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? संघीय संरचना जो है प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जो है और शक्तियों को अलग करने का जो है सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया नीति का संचालन करता है, तो इसका संचालन कौन करते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट जो आया था, एक्ट जो आया था उसमें जो है 2005 में, तो उसका जो है संचालन कौन करते हैं? तो वो करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट, संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़े गए, तो 44वें संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। पहले था इंटरनल जो है से डिस्टर्बेंस की जगह को हटाकर जो है उसके जगह पे जो है आपको सशस्त्र विद्रोह जो है ऐड कर दिया गया था, आम से रिवॉल्यूशन जो है वो ऐड किया गया 44वें संशोधन के द्वारा, क्योंकि इसी के आधार पर जो इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में जो है ये लगा दिया था इमरजेंसी, जिसके बाद जो है इस शब्द को हटा दिया गया। इमरजेंसी पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में 352 आर्टिकल नंबर 352 से जो है प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं, पूरे भारत में जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। और 356 के द्वारा जो है आपको राज्य में जो है प्रेसिडेंट रूल, और 360 के द्वारा जो है आपको फिनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, तो किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1892 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये जो है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, वर्तमान अभी कौन है? जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति है। वर्तमान संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी, इसकी डिजाइन तैयार की गई थी। तो संसद भवन की नींव जो है 12 फरवरी 1921 को रखी गई, और इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? तो एडविन लुटियंस तथा सर हॉवर्ट बेकर के द्वारा। नेक्स्ट, सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व खर्च हेतु सरकार की धन की आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति की जाती है, तो इसकी पूर्ति कहाँ से की जाती है? तो लेखानुदान से जो है इसकी पूर्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो इसके लिए जो है अनुमति संसद की अनिवार्य है। जो इंटरनेशनल जो है ट्रीटी जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, डिप्लोमेटिक पावर जो है राष्ट्रपति का उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन ये किसकी अनुमति से किया जाता है? तो संसद की अनुमति के। संघीय शासन एक गंभीर दोष है, तो पृथकता का भय जो है संघीय शासन जो है उसमें जो है सेंट्रल रूल जो है उसमें जो है पृथकता का जो है भय है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर का जो है भय है। जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है, तो कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो वो रखा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव जो है रखा जाता है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, इसके अन्य सदस्य थे, तो कौन थे अन्य सदस्य? तो थे HN कंजरू और KM पनिकर जो है इसमें अन्य सदस्य थे। तो ये हो गया आपको पॉलिटी। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी भूगोल पे, तो देखते हैं भारत का वह राज्य जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कॉपर का कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात
किन दो महान झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है, नियाग्रा वाटरफॉल, वो किन झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील के मध्य जो है ये नियाग्रा जलप्रपात है। और भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन है? तो होन्सू है, और इसी पे जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, तो भूकंप जो है एक साथ अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं उस रेखा को? तो सह भूकंप रेखा या होमी स्पर रेखा जो है इसको कहते हैं, जो जहां पे एक साथ भूकंप की जो लाइन है मिलती है उसको कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित वृद्ध आकार की ढालायुक्त गुंबद रूपी संरचना कहलाती है? तो ज्वालामुखी जो है जब होता है तो वॉल्केनो जब निकलता है तो वृद्ध आकार की जो है एक बड़े से आकार की ढालायुक्त गुंबद रूपी संरचना बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोकोलिथ। नेक्स्ट, वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तरण स्थित है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तरण कहाँ स्थित है? तो वो है क्षोभ मंडल में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट, वह बल जिसके कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विपक्षित विक्षेपित हो जाती है, तो जब कौन सी हवा है जिसकी वजह से जो है जो कौन सा बल है जिसकी वजह से जो हवा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में मतलब जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो दाहिनी ओर राइट डायरेक्शन में और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है बाईं जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है, तो किसकी वजह से, कौन से बल की वजह से? तो वो है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। स्वर्ण पगोड़ा का देश कहा जाता है? तो स्वर्ण पगोड़ा किस देश का देश कहा जाता है किसको? तो म्यांमार को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित देश है बांग्लादेश? सुंदरबन डेल्टा जो है वहां कौन स्थित है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारतीय उस महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण प्राप्त करते हैं जिसके कारण उत्पन्न होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून, इसी के कारण उत्पन्न होता है जो है लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है जिसके बाद जो है लो प्रेशर बेल्ट के कारण जो है साउथ वेस्ट मानसून उत्पन्न होता है और वो जो है भारत में वर्षा कराता है हिंद महासागर से उठकर। नेक्स्ट, भारत के पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का ग्रह है? तो पृथ्वी के जो है सेम साइज का जो है ट्विंस भी कहा जाता है पृथ्वी का, तो शुक्र जो है वेनस जो है सेम आकार का ग्रह है। प्रशांत महासागर का आकार है तो पैसिफिक ओशन का जो है शेप कैसा है? तो त्रिभुजाकार है वो जो है ट्रायंगुलर शेप का जो है इसका शेप है आकार है। नेक्स्ट है, सतपुरा श्रेणी सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो वो है ध्रुवगढ़। नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है तथा उत्तरी भूटान से निकलती है, तो उत्तरी भूटान से कौन सी नदी निकलती है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो वो है संकोश नदी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ऐसे देखिएगा उसमें शामिल होने वाले देश कौन है? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती जो है इसमें शामिल होने वाले देश है। वह पर्वत जिसे हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है? तो वह पर्वत जिसमें हजार धुआरों की घाटी कहते हैं उसको कहते हैं माउंट मैकिन्ले। यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा सिक्किम का शेष भारत से जोड़ता है? कौन सा राजमार्ग जो है सिक्किम से कोशेष भारत से जुड़ता है? तो राष्ट्रीय मार्ग 31A। नेक्स्ट, जब एक छोटे तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग कहलाता है? तो व्हाइट ड्वार्फ जो है वो कहलाता है। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है? तो वरुण ग्रह का प्रकाश जो है हरा जो है क्यों प्रतीत होता है? तो वो होता है मिथेन की अधिकता के कारण जो है वो हरा प्रकाश प्रस्तुत होता है, मिथेन ज्यादा होता है इसी वजह से। पृथ्वी की आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं? तो पृथ्वी के जो आकाश गंगा है उसके सबसे शीतल और चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ओरियन नेबुला, गैलेक्सी जो है। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहता है लिम्नोलॉजी। इंजेलबर्ग है? तो इंजेलबर्ग क्या है? वायु द्वारा उत्पन्न स्थल कृति जो है, वायु के द्वारा उत्पन्न जो है स्थल कृति उसको इंजेलबर्ग कहते हैं। वह भूगोलवेता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान वर्षा एवं वनस्पति के घटों के आधार पर किया गया है तो वो कौन है? तो कोपेन जो है वो उन्होंने जो है जलवायु का जो है क्लाइमेट का जो है डिवीजन तापमान और वर्षा और वनस्पति के आधार पर किया है। विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहलाती है तो यूक्रेन जो है कहलाती है विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया ये कहलाता है यूक्रेन।
नेपाल भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है, तो कौन सा राज्य जो है नेपाल भूटान और चीन तीनों से मिलता है, तो वो है सिक्किम। अब नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78.08% जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की जो है 21% के करीब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और उसके बाद अन्य गैस होता है। वह प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, जो चट्टानों को जो है छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग कहते हैं। एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 क्या था, तो धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना जो है, अगर एजेंडा 21 था 1992 में जो है एजेंडा 21 ये था। पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 आयोजित हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन जो है अर्थ समिट भी इसको कहते हैं, तो पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 कहाँ कब आयोजित हुआ, तो वर्ष 1997 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिक शोध संस्थान नीरी की स्थापना हुई, तो नीरी की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1958 नागपुर में। वह प्रमाण पत्र जिसे पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इको मार्क जो है साइन जो है इको मार्क जो है जो चिन्ह है वो दिया जाता है। स्वार्धिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है, तो स्वार्धिक अस्थाई पारिस्थितिकी स्टेबल जो है इकोसिस्टम कौन है, तो वो सागरीय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ओशन इकोसिस्टम जो है ओशनिक इकोसिस्टम वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, तो वो करता है उत्पादक। पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, यह नारा संबंधित है, तो यह नारा चिपको आंदोलन से संबंधित है। एक ही तरह के जीवों जिनपे परस्पर संकरण की क्षमता होती है और जो निश्चित संतति को जन्म देते हैं कहलाती है जाति स्पेसीज। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो 20.95% जो है ऑक्सीजन की मात्रा है। दो जातियों के जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में न तो लाभ होता है न ही नुकसान, वो सहभोजित कहलाते हैं, जो है सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता, जो है 2020 का थीम था। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है, जिसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है, 51 क में जो है इसका उल्लेख है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है पर्यावरण लेखांकन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें नाम दिया गया एजेंडा 21। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है कोई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। दशिगम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से हंगूर या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, वो है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं, साथ ही शरण व भोजन की प्राप्ति करते हैं, उसको कहते हैं परजीविता। मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल का संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, वो है कंगारू रैट, कंगारू चूहा। अपरत खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं अपघटक। प्रोबायोटिक पद प्रयुक्त किया जाता है सजीव सूक्ष्म जीव खाद्य संपूरक के लिए, जो है प्रोबायोटिक यूज किया जाता है। स्व पोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। एकमात्र गिवन जो भारत में पाया जाता है हुलॉक गिवन जो है भारत में पाया जाता है, ये जो है से गिवन जो होता है बंदर के प्रजाति का ही होता है। हम नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमी देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्वान हो कहलाती है, जहां जो है से पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों मिली होती है इकोनॉमी में, उसको कौन सा कहते हैं, तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में कृषि आय का आयकर लगाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा जो है कृषि आयकर लगाया जा सकता है। काली क्रांति संबंधित है, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, कच्चा तेल उत्पादन से जो है ये संबंधित है, क्रूड ऑयल से संबंधित है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था, मई 2005 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है और यहाँ जो है स्वामीनाथन है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो वो की गई थी आपको कर्नाटक में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, वो है नाफेड। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है नेशनलाइज्ड कब किया गया, तो 1956 में। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी, तो नचिकेत मोर समिति द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई, तो किनके द्वारा की गई, तो फेरवानी समिति द्वारा। नेक्स्ट, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज एक गैर लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी, यह अवधारणा प्रस्तुत की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन है एडम स्मिथ का। भारत में निर्धनता का स्तर के स्तर का आकलन किया जाता है, तो भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन जो है, पॉवर्टी का आकलन कैसे किया जाता है, तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है इसका आकलन किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो किससे आधारित थी, पीसी महालोनवी मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है ये किया गया था, इसका जो है व्यू रखा गया था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियमों, उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा है बेसल थ्री मानक। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना लक्ष्य था नौवीं पंचवर्षीय योजना की। भारत के पहले बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है जेम्स विल्सन को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो अगस्त 1998 में। हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है, इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर। प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था आधारित थी हेरॉड डोमर मॉडल पर, प्राइमरी सेक्टर को जो है करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये लागू हुआ था। कम आय वाला उपभोक्ता अपनी आय को अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं, यह अवधारणा संबंधित है एंजल के नियम से। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीद लेने की प्रक्रिया है ट्रेडिंग डाउन। ऐसी पूंजी जो वस्तुओं को क्रय विक्रय में लगी होती है और उसका वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है कहलाती है मर्चेंट कैपिटल। सामान्य विज्ञान अब देखते हैं साइंस। वह वैद्युत युक्ति जो प्रत्यावर्ती द्वारा धारा एसी यानी अल्टरनेट करंट को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करती है कहलाती है रेक्टिफायर। डीसी को जो है एसी में जो कन्वर्ट करता है वो है इन्वर्टर। वह उद्योग जिसमें बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कहाँ जो है बॉक्साइट यूज करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, तो एल्यूमिनियम उद्योग। शुद्ध जल के लिए पीएच मान होता है, तो प्योर वाटर का जो है पीएच कितना होता है, 7 होता है, और जो एसिड का 7 से कम, बेस का 7 से ज्यादा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रतिक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परसरण जो है इसको कहते हैं। खारे पानी को जो है शुद्ध पानी में जो है परिवर्तित करता है, इसको जो है रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो किस युक्ति के द्वारा, किस विधि प्रोसेस के द्वारा जो है से सौर ऊर्जा को जो है से सोलर एनर्जी को जो है बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है, प्रकाश वोल्टीय सेल फोटो वोल्टिक सेल के द्वारा। फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलियन है, तो फोटोग्राफी में कौन सा हाइपोविलियन यूज होता है, तो सोडियम थायोसल्फाइड का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो छपाई में जो स्याही प्रयोग करते हैं वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो वो है मिथेन के। वह अमल जिसके मांसपेशियों में एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है, तो थकावट होता है किसके एकत्रित होने पर, जमा होने पर, तो लैक्टिक एसिड के जमा होने पर। धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो है सोना। अधिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जो
स्केलर क्वांटिटी है उसको जो है से डिनोट करने के लिए जो है सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो वो परिमाण और दिशा जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज करके दोनों की आवश्यकता होती है। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला बल उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है, तो वो है अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। किसी निकाय की दी गई ऊष्मा परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, कहलाते हैं ऊष्मा गति का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है उसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का नियम कहते हैं। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अवर्तनांक के समान है, तो लेंस के फोकस दूरी हो जाएगी अनंत दूरी, इन्फिनाइट हो जाएगी। वह यह तांबा टीन व सीसा का मिश्र धातु से बना होता है, इसका गलनांक कम होता है। तो ये कौन है, जो तांबा जो है टीन है और सीसा जो है इससे जो है लेड से बना होता है, तो वो है विद्युत फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इससे बना होता है, इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन हेतु रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो जो है आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा जो है केमिकल यूज करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड। खाद्य पदार्थों के बचाव हेतु रासायनिक परीक्षकों का उपयोग किया जाता है, जो खाद्य पदार्थों के बे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं, इनके उदाहरण है बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो वो है हीलियम। ऑक्सीजन मिश्रित वो है निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित स्वपन से जो है जो निष्क्रिय गैस जो है पीड़ित रोगियों को दी जाती है। मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यक्रम पर लागू होता है, तो क्या होता है हाइड्रोलिक में पास्कल का नियम जो है लागू होता है। नेक्स्ट है कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है, यह खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन होता है, तो कितना होता है इसका आयतन, कच्चा तेल मापने में जो है बैरल का उपयोग किया जाता है, लगभग 159 लीटर जो है इसका आयतन होता है। वे तरंगे जो ठोस माध्यम में भी उत्पन्न होती है तथा इनका संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है, तो कौन सा तरंग है जो ठोस माध्यम में भी उत्पन्न होती है, तो वो है अनुप्रस्थ तरंगे। वायु में गति करने वाली वस्तुएं तथा वायुयान परीक्षा पात्र एवं मौसमी संबंधी सूचनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रडार का जो है प्रयोग किया जाता है मौसम संबंधी जो है वायुयान का पता लगाने के लिए जो है रडार का प्रयोग करते हैं। गैसोहॉल मिश्रण होता है, तो गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है, पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक उद्योग व नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है, इसका नाम अन्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का जो है अन्य नाम क्या है, तो चिली सॉल्ट पीटर जो है इसका नाम है। पारा एक का महत्वपूर्ण ऐसक है, तो पैरा का जो है एक ऐसक है, ओढ़ है वो कौन है, वो है मरकरी का सीनेबार। अब नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है उसका जो है से ड्यूरेशन कितना होता है, तो वो होता है 24 घंटे जो है उसका ड्यूरेशन होता है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो है इनसेट जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर यूज होता है। सबसे पहले जो है इनसेट बी जो है ये हुआ था इनसेट ए, तो वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा के कोलैबोरेटर से सहयोग से वो असफल रहा था, उसके बाद इनसेट बी जो है वो सफल रहा था। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया, तो एप्पल जो है वो कब छोड़ा गया, तो 19 जून 1981 को जो है वो ये छोड़ा गया था, एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो है तो ये छोड़ा गया था आपको 19 जून 1981 को ये छोड़ा गया था। श्री हरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है स्थित है, तो श्री हरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, जो है क्रायोजेनिक इंजन हम लोग यूज करते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी में। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है अति चालकता द्वारा, जो है इसको जो है सुपर कंडक्टिंग के द्वारा इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु दिया गया था, तो आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज जो है वो किस कार्य के लिए दिया गया था, वो दिया गया था प्रकाश
विद्युत प्रभाव के द्वारा जो है इसको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है इसको नोबेल प्राइज दिया गया था आइंस्टीन को। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है सबसे पहले जो है लेबोरेटरी में जो है सिंथेसाइज किया था डीएनए को। प्राथमिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के मुख्यतः चार क्षेत्र हैं, तो कौन सा है जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के चार क्षेत्र, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, जिसका प्रक्षेपण 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा जो किया गया था 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है तारापुर जो है न्यूक्लियर जो है से वो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो अंकटाड द्वारा जो है इसका प्रदर्शन प्रकाशन किया जाता है। तीसरी पीढ़ी की वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल सिस्टम जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है, तो वो हेलिना और ध्रुवास्त्र है, तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी, तो नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक थे, तो भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है, उसकी ऊंचाई है, तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि अधिकतर कंप्यूटर कार्य करता है विद्युत प्रवाह के नियम पर जो है काम करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ जो है ब्लॉकचेन तकनीक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, वायुसेना में लगा ब्लैक बॉक्स एक बीकन से लेस होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है ब्लैक बॉक्स में, सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का, ये ऑरेंज कलर का होता है। संचार का वह प्रकार जिसमें संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है, तो किसमें जो है कम्युनिकेशन एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच संपन्न होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन संचार होता है उसमें। आधुनिक रोबोटिक्स के पिता कहते हैं, तो आधुनिक रोबोटिक्स जो है मॉडर्न रोबोटिक्स के पिता किसको कहा जाता है, तो जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन चंद्रयान 2 भारत के GSLV Mk3 Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को जो है लॉन्च किया गया था। अब है कंप्यूटर पे, देखते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, तो CPU में सूचना जाती है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है, तो वो कहते हैं होम पेज। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था, तो MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट DOS का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ था, तो अगस्त 1981 में। नेक्स्ट, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस, अब तो 5G इंटरनेट आ गया है। फिजिकल लेयर एवं नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डेटा लिंक लेयर। भारत में परम नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो परम नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, पुणे स्थित CDAC के द्वारा। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती है, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए लंबाई की प्रास होती है 32 बिट या 4 बाइट। Y2K समस्या का संबंध है, ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों को के शून्य हो जाने की दशा में उनके प्रस्थातनी ढूंढने में जो है ये संबंधित है Y2K। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अमेरिका रक्षा संस्थान में। कीवर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, तो 12 फंक्शन की होता है कीवर्ड में। नेक्स्ट, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उसकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो करता है, बोल के जो है कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया JS Kilby ने इसका विकास किया था। एक प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस जो डिजिटल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उच्च शक्ति लेजर
किरण का प्रयोग करती है वो है ऑप्टिकल डिस्क। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की पदार्थ की। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। माउस का आविष्कार 1964 में डॉक्टर डगलस एंजेलबॉट ने किया था। तो वो किसका बना था? तो वो था लकड़ी का बना। 1964 में डगलस एंजेलबॉट ने किया था। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI लोड होने पर होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद पहला प्रोग्राम चलता है प्रमाणीकरण का। एक्सेल का वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड IAW से। CPU के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करता है ALU अर्थमेटिक यूनिट जो होता है उसको प्रयोग करता है CPU के लिए सामान्य गणित का। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन के नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है इंफॉर्मेशन में। अब खेल कूद से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। शेफील्ड का गठन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। फुटबॉल विश्व कप सर्वप्रथम आयोजित किया गया था 1930 में उरुग्वे में। और इस बार का जो है फुटबॉल विश्व कप जो है कतर में आयोजित किया गया था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट है, हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान है, स्विट्जरलैंड में। वह देश जहां ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहली बार आयोजन 1998 हुआ था? तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सर्वप्रथम आयोजन होता वर्ष 2008 में, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर। वह देश जिसके विरुद्ध भारत में पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड। वह देश जहां वर्ष 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। वह देश जिसके नाम किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक 80 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है? तो वह रूस। वर्ष 2018 में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था बुरोवी नामक एक नीले रंग का कोआला। क्रिकेट का आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर में एक एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? 45 मिनट। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो वो जीता था KD यादव ने मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में। यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1896 ईस्वी में। रणजी ट्रॉफी टीमों के बीच आयोजित की जाने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के किस प्रारूप से है? T20। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस की रचयिता हैं वो है फादर डॉन। ओवल स्टेडियम लंदन का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। योगासन की एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश है भारत। ईरानी कप, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी तथा विजय मर्चेंट ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय स्थित है दुबई में, 1909 में स्थापित किया गया था। वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है विलियम जे मॉर्गन को। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, अभी दिलीप टर्की हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, वो है कलारीपट्टू, मलखम, गतका तथा थांगटा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से। वह देश जिसने पहली बार आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हरा कर जीता वो है न्यूजीलैंड। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला जाएगा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जीवनी है भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की। हम देखते हैं विविध जो है मिसलेनियस कुछ है उसको देख लेना। इंडोनेशिया में स्थित वह नगर जो प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है तो वो है बोरोबुदुर। नेक्स्ट है, इसराइल का वह नगर जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो था बेथलेहम। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है वह हिंडनबर्ग रेखा जो है या ओडर नीस रेखा जो है कहते हैं। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है तो वो है आइसो प्लेथ जो है इसको कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी वो थी आशा पूर्णा देवी। भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 25 अप्रैल 1982 को। सिक्किम में स्थित वह दर्रा जो दार्जिलिंग चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता हो वो है नाथुला दर्रा, नाथुला पास। तुर्की स्थित वह जल संधि जो काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है, तो ब्लैक सी और मरमरा सी को जो है कौन सा जो है संधि जो है जल संधि जो है जोड़ता है, तो वो है वॉस्फोरस जल संधि। अनफिनिश्ड नामक पुस्तक संबंधित है, अनफिनिश्ड किसने लिखा, प्रियंका चोपड़ा ने। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 मार्च को। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए उनको मिला था। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों को वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पदक है परमवीर चक्र। एक अंतर्राष्ट्रीय परमानन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है ISO 14001। दलाई लामा तिब्बत के किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, गेलुग संप्रदाय से। अभी जो है दलाई लामा कंट्रोवर्सी में ये चले गए थे, जो है एक बच्चे को जो है उन्होंने जो है लिप पे किस कर लिया था उसके वजह से जो है। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र जिसे वीणा और तंबूरा के मिश्रण से सल्तनत कालीन अमीर खुसरो ने बनाया था वो था सितार। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई जर्मनी में। मैन बुकर प्राइज ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, यह संयुक्त रूप से दिया जाता है ब्रिटिश प्रकाशन संघ तथा बुकर कंपनी द्वारा। एक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो एक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के कौन लिखे हैं, इमैनुअल कांट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो कोपेनहेगन में। नेक्स्ट, अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, मोहिनी अट्टम। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों को अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया अभियान है ऑपरेशन थ्रस्ट। ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया गरुड़ पोर्टल। जायर अलवहार नौसेना संयुक्त अभ्यास है, तो भारत और कतर के बीच जो है ये अभ्यास होता है। तो दोस्तों ये जो है से टोटल एग्जाम पॉइंटर में जो है जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें जो है से कुछ कुछ जो है आपको एक समरी के तौर पे बहुत सारे चीज दे दिया गया वन लाइनर फॉर्मेट में, तो आप इसको देखिएगा। इस तरह से और भी वन लाइनर जो है से एग्जाम पॉइंटर में लेकर आऊंगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और UPPCS एग्जाम और UPSC में आपको काफी जो है से इससे फायदा मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।